गुड डे एवरीवन, रियली एक्साइटेड टू हैविंग यू हियर अगेन। टुडे हम डाइव करेंगे इनटू द वर्ल्ड ऑफ रिएक्ट जेएस। वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर थ्री थिंग्स। द फर्स्ट वन इज व्हाट इज रिएक्ट जेएस, सेकंड वन इज व्हाई इट्स वर्थ लर्निंग, आपको सीखनी क्यों चाहिए, और द थर्ड वन इज इसका कंपैरिजन विद अदर टेक्नोलॉजीज इन द इंडस्ट्री। By the end of this lecture, आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि React JS एक्चुअली है क्या और why so many developers choose to use it. So, what is React JS? React JS basically एक JavaScript की लाइब्रेरी है यूजर इंटरफेस को वेब एप्स के लिए बनाने के लिए। It allows developers to create reusable GUI components जो आप बार बार अपनी वेब ऐप के अंदर यूज़ कर सकें, और ये बनाई गई थी और मेंटेन भी इसको फेसबुक ही करता है। रिएक्ट जो है उसकी जो बर्थ हुई है वो फेसबुक की नीड ऑफ स्टेइंग एजाइल एंड एफिशिएंट, इसकी वजह से रिएक्ट जेएस को फेसबुक ने डेवलप किया था। और क्योंकि फेसबुक एक बड़े लेवल पर ऑपरेट करता है, उनको एक ऐसे यूज़र इंटरफेस की ज़रूरत थी जो कि चेंज हो सके जब भी डेटा डायनामिकली आए, और जो कि जल्दी से यूज़ हो और जिसकी परफॉर्मेंस और स्पीड बहुत बेहतर हो कंपेयर टू व्हाट वाज आउट देयर ऑलरेडी। बिकॉज जो फेसबुक जिस लेवल पर ऑपरेट कर रहा था वो लेवल पहले वेब ऐप की इंडस्ट्री में उतना ज़्यादा नहीं था देखा गया इन टर्म्स ऑफ द यूआई पावर and speed and optimization that Facebook needed. इसलिए फिर React.js की birth हुई। React.js at its core is all about components, और components को use करते हुए ही ये एक user interface का building block बन जाता है। So components are the building blocks of developing user interface in React.js. React JS में एक और जो इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक है वो है प्रॉप्स और स्टेट। प्रॉप्स और स्टेट React JS और React Native में एक्सटेंसिवली यूज होते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि DOM के नाम से कहलाती है, वेब एप्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और DOM को हैंडल करने का भी React JS का एक यूनिक अप्रोच है, और ये एक तरीका है डेटा को हैंडल करने के लिए रिएक्ट जेएस में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम रिएक्ट जेएस को क्यों चूज करेंगे किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। फर्स्टली जो रिएक्ट जेएस की कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच है ये इसको बहुत रीयूजेबल बनाती है, जिससे आपकी स्पीड ऑफ डेवलपमेंट बहुत क्विक हो जाती है। सेकेंडली जो इसका वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से वेब ऐप की जो स्पीड है वो इट्सेल्फ बहुत ही ज़्यादा बेहतर होती है व्हेन कंपेयर्ड टू वेब ऐप्स डेवलप्ड इन अदर लैंग्वेजेस। ऑल्सो जो रिएक्ट है उसकी एक सॉलिड बैकिंग है, उसकी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, क्योंकि फेसबुक इसको यूज़ करता है अपने प्रोडक्ट्स में, जैसे कि उनकी वेब ऐप है, इंस्टाग्राम है, उसकी वजह से इसकी जो कम्युनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज है। और इसका ये मतलब है कि जो भी आपको कन्फ्यूजन होगी वो ऑलरेडी किसी और ने सॉल्व कर दी है, एंड इसकी बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं आपके सॉल्यूशन के लिए। सो यू कैन रीयूज द लाइब्रेरीज मेड बाय अदर्स, and that also increases the speed of your development as well as the quality of the output that you will get with React.js. And finally, jo React ke developers hain wo bahut hi zyada demand mein hain. So if you actually learn React.js, it is very much possible ki aapko iski ek achhi job bhi mil sakti hai. अब यहाँ पर आप React JS को जब कंपेयर करते हैं बाकी फ्रेमवर्क्स के साथ, जैसे कि Angular है, Vue.js है, तो React JS की एक अपनी पोजीशन है। While Angular एक फुल फीचर्ड फ्रेमवर्क है, लेकिन जो React JS की लाइब्रेरी की अप्रोच है वो इसको बहुत ज़्यादा एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है,
और इसकी परफॉर्मेंस इनहेंस करती है और ये एक बहुत ही लाइट वेट ऐप बन जाती है अगर आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं चाहिए। एंड अगर आपको फीचर्स चाहिए देन यू कैन स्टार्ट इंटीग्रेटिंग दोज लाइब्रेरीज। तो इससे आपके जो एंड रिजल्ट है दैट इज़ एक्सट्रीमली एफिशिएंट व्हेन यू कंपेयर इट विद वेब एप्स मेड विद अदर फ्रेमवर्क्स। और जब आप इसको Vue.js के साथ कंपेयर करते हैं तो Vue.js itself भी एक लाइट वेट सी लाइब्रेरी है और उसकी भी सिमिलर अप्रोच है वर्चुअल डॉम में, लेकिन React.js जहां पर उससे ऊपर है वो है इसकी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी। जैसे कि हमने कहा है कि वो फेसबुक उसको मेंटेन करता है, सो द कम्युनिटी एंड द सपोर्ट एंड द वेल्थ ऑफ रिसोर्सेज प्रेजेंट फॉर React.js आर इनकम्पेरेबल। React.js को सीखने के बाद आप React Native में भी जा सकते हैं और आप मोबाइल ऐप्स को भी डेवलप कर सकते हैं, iOS की डेवलपमेंट कर सकते हैं, Android की डेवलपमेंट हो सकती है। सो वंस यू लर्न React.js यू कैन एक्चुअली गो ऑन एंड डेवलप मोबाइल ऐप्स एज वेल यूजिंग इट्स सिस्टर लाइब्रेरी React Native। That's it for today. इस लेक्चर में आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपका इंटरेस्ट React.js को लर्न करने के लिए ज़्यादा हुआ होगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डाइव डीपर इनटू द React.js कॉन्सेप्ट्स और हम कुछ कोडिंग भी करेंगे सो वी कैन शो यू अ फ्यू एग्जांपल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर 10 BDP React.js कोर्स।